दोस्तों मेरा नाम है शुभम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि DSSSB ग्रेड 4 2017 वाला जो आपने भरा था उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। लेकिन उससे पहले बता दूं, देखो मैंने यहाँ पे अपना नंबर दे रखा है 9875143037, ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है। आप इस पर मुझे अपने मतलब अगर आपने ग्रेड 2 का एग्ज़ाम वो स्टैनो का एग्ज़ाम दिया तो प्लीज़ अगर आप मुझे इस पर क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। करते तो थैंक यू उसके लिए, नहीं करते तो भी थैंक यू वीडियो देखने के लिए, ठीक है। कर सकते हो वैसे इस नंबर पर कॉल मत करना क्योंकि नंबर स्विच ऑफ मिलेगा। ये खाली व्हाट्सअप वाला है तो व्हाट्सएप पे आप खाली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कुछ पूछना है तो भी पूछ सकते हो, ठीक है। या तो कमेंट कर देना या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। देखो अब मैं आपको बता रहा हूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। देखो सारे में पहले देखो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये जाएगी, इसके मैं फैक्ट रखता हूं। फैक्ट क्यों जाएगी, आप अपनी ओपिनियन भी दे सकते हैं या तो कमेंट में दे सकते हैं या फिर, ठीक है, क्योंकि पक्का तो मतलब देखो कोई भगवान तो है नहीं जो फ्यूचर की बात, लेकिन मैं अपने वो ओपिनियन रख रहा हूँ कि मेरी इस हिसाब से क्यों जा सकती है। देखो ग्रेड 4 दास का देखो ये कम से कम नहीं तो आपका भरा होगा एक से मतलब एक 130,000 के लमसम बंदों ने भरा है जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। उसमें से अगर हम मानते अटेंडेंस काफ़ी कम थी, इसमें अटेंडेंस कम होने के बाद अगर हम मानते इसे 80,000 बंदों ने एग्ज़ाम दिया है, 80 या 70 मानते, चलो 70 अगर हम मानते तो भी 70 के हिसाब से आपको पता है वैकेंसी इसमें 800 कुछ है, ठीक है। 800 वैकेंसी है, ठीक है। 800 वैकेंसी के बाद अभी इसका पेपर इसका देखो पेपर ऐसा था, पेपर इसका इजी आया था। इजी कैसे आया था, देखो मैंने जिससे भी पूछा है किसी ने 140 से कम तो बताया नहीं कि मैंने 140 से कम करे, जितने मैंने सुने किसी ने भी मुझे 140 से कम नहीं बताया, चाहे वो जनरल हो, OBC, SC, ST को तो खैर मैं एक आधा ST था उससे मतलब मेरी क्वेश्चन वगैरह के बारे में बात नहीं हुई, लेकिन जितनों से मैंने सुना 140 के ऊपर ही बताया सबने, ठीक है। चलो तो एक तो ये चांस है मेरिट ऊपर जाने का, अब मैं बता रहा हूँ कम जाने का, मेरिट कम जाने का, ये वैकेंसी 800 है, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है टाइपिंग भी है, टाइपिंग इसकी एक मैंने के जो मतलब पिछले 2018 में लगे हैं एक बंदे उनसे मैंने पूछा था तो वो बताया टाइपिंग थोड़ी सी टिपिकल होगी। आप ये सोच रहे हो कि अगर आप निकाल सकते हो, नहीं, अगर आपने CRPF की टाइपिंग देखी तो उसके इक्विवेलेंट मान लो, मतलब इसकी टाइपिंग थोड़ी सी हार्ड पड़ेगी नॉर्मल के मुकाबले, क्योंकि उसमें मतलब कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती हैं टाइपिंग की, आपको अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी। अभी वैसे मेरे पास टाइपिंग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है पर पिछले साल का है, मैं अगली वीडियो उसके ऊपर बनाऊँ कि कैसे कैसे क्या आप पूरा बताऊँ टाइपिंग के बारे में, ठीक है। तो अभी देख सकते हो देखो मेरिट ये जाएगी मेरे हिसाब से, इसमें देखो मैंने आपको ये बताया कि मेरिट क्यों जा सकती है, देखो क्योंकि वैकेंसी हमारी 800 है, 800 के लमसम है, ठीक है। 800 के लमसम अभी इसमें अभी तो खैर टाइपिंग में भी निकालेंगे बंदे, टाइपिंग अभी तो इन्होंने कम से कम अभी देखो मेरे हिसाब से कितने 70,000 है ना, तो कम से कम नहीं तो 10,000 बच्चे तो बुलाएंगे ये टाइपिंग के लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि टाइपिंग में 10,000 बच्चे अगर ये बुलाते हैं तो देखो सात एक का रेशो हो गया, ठीक है। क्योंकि इन्होंने जो ग्रेड 2 का था ग्रेड 2 में 10:1 का रेशो इन्होंने रखा है मेरे हिसाब से मतलब रखेंगे। मतलब देखो अगर हम वैकेंसी 800 है ना, अगर हम देखें तो 800 तो 10:1 का भी रख सकते हैं, जैसे अगर मानो इसे 10:1 का रेशियो रखते हैं तो भी 10,000 बंदे मतलब 8,000 बंदे ने क्वालिफाई करने पड़ेंगे, तो इस वजह से इतनी मेरिट जाएगी। क्योंकि अभी टाइपिंग है, टाइपिंग में भी मुश्किल होगी, टाइपिंग आसान नहीं थी, मतलब आसान नहीं होगी टाइपिंग भी, क्योंकि जब मैंने जो उस बंदा सिलेक्टेड है मैंने उससे ही पूछा था वो कह रहा टाइपिंग इतनी सिंपल नहीं होगी। अगर आप सोच रहे हो कि बिल्कुल सिंपल है तो भी आपका मिथ है, इसे दूर कर लेना, क्योंकि टाइपिंग आप प्रैक्टिस अगर देखो आपको पता है, अगर आपको ये कंफर्म है कि मेरा इतने नंबर नहीं आएंगे तो आप टाइपिंग की तैयारी मत करो, लेकिन अगर आपको पता है इतने आ सकते हैं अगर जरा से भी गुंजाइश हो तो टाइपिंग की तैयारी करो। क्योंकि टाइपिंग की क्या पता है इसमें DSSB की आपको पता है रेल चल रही है, क्या पता है एकदम ही टाइपिंग देते, कुछ नहीं पता DSSB इस समय, मतलब ये कुछ नहीं, कोई नहीं कह सकता, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अभी यूट्यूब मतलब DSSB के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, क्या पता अगले दिन ले ले, अभी 2-3 दिन में रिजल्ट आए, क्या पता बाद में ले, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता DSSB के बारे में। पूरा मैं आपको बता रहा हूँ टाइपिंग की पूरी तैयारी रखना, अगर आपको लगता है मेरा नंबर आ सकता है तो टाइपिंग की तैयारी रखना, क्योंकि टाइपिंग इसमें टिपिकल होगी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। टाइपिंग की प्रैक्टिस करो, एक्यूरेसी बढ़ाओ, बैक स्पेस का यूज़ मत करो, सारे स्पेशल कैरेक्टर देखो, न्यूमेरिक में देखो, पता है इसमें क्या होता है कि न्यूमेरिक में बंदों की बहुत मिस्टेक आती है, न्यूमेरिक में आ गए कैरेक्टर हो गए, देखो वर्ड आपको याद हो गए लेकिन जो आपके सिंबल होते हैं जैसे एपोस्ट्रोफी, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, ग्रेटर देन, ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो टाइपिंग में मतलब हमें पीछे करती हैं सबसे, ठीक है। जब आप वहाँ पे टाइपिंग पर जाओगे ना टाइपिंग देने तो इतने बच्चे वहाँ पे टाइपिंग करेंगे ना, मतलब कीबोर्ड की जब आवाज़ आती है तो बंदा वहाँ पे होपलेस हो जाता है, ठीक है, कि पता नहीं होगा नहीं होगा, क्या करना है कैसे करना है, तो मतलब समझ नहीं आता क्या करना क्या है। तो आप पूरी मतलब ऐसा देखो
अपने ऊपर टाइपिंग में एकदम कॉन्फिडेंस रखना, अगर टाइपिंग में नंबर आता है आपका तो पूरा कॉन्फिडेंस रखना। पता है क्या होता है, जब हम टाइपिंग करते हैं, जब हमारे पीछे कोई खड़ा होता है तो ऐसा लगता है कि हाथ कप कपाने लग जाते हैं बहुत सारे जनों के। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप अपने मतलब जो सीनियर आपका कोई सीनियर वीनियर होगा उसे अगर आप अपने पीछे खड़ा करेंगे टाइपिंग करते हुए तो आपके हाथ जरूर कप कपाएंगे। ठीक है, मतलब थोड़ी गलती इतना आप मतलब ऐसे हो जाएंगे कि क्या करूँ, मतलब गलती होगी, मतलब समझ नहीं पा रहे। आप करके देखना तो आपको पता चलेगा, जब कोई पीछे खड़ा होता है टाइपिंग करनी इतनी आसान नहीं होती, और जब वहाँ पे तो इतने सारे कीबोर्ड की आवाज़ आएगी ना तब आपके दिमाग वैसे ही घूम जाएगा, मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये होती है जान पे जान वाली बात होती है। कि बहुत सारे बंदे सोचते हैं, क्योंकि बहुत बंदों की लास्ट एज होती है कि मानो टाइपिंग नहीं हुई तो कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, तो पूरी उसकी प्रैक्टिस करके जाना, पूरा एकदम दिल विल बैठा के जाना का टाइम मतलब। ठीक है, अगर आप टाइपिंग की तैयारी आज से कर दो, अगर पहले से कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा है, नहीं तो प्लीज़ टाइपिंग की तैयारी कर दो, क्योंकि टाइपिंग आसान नहीं है। ठीक, उम्मीद है आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया, कुछ भी समझ ना आए मैं नीचे कमेंट में कर देना, नंबर ये है, प्लीज़ अगर आपने स्टेनो का एग्ज़ाम दिया तो प्लीज़ यार उस पर क्वेश्चन भेज देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।